जो चैप्टर 13 फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स क्लास में जो चल रहा है, उसी चैप्टर के अंदर अगला टॉपिक है चैम पाथवे और साइकिल, इसे कैम चक्र भी कहते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है ट्रांसलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। यह कैम पाथवे जो होता है, इस कैम पाथवे या कैम साइकिल को ओलियरी एंड रोहानी नाम के साइंटिस्ट के द्वारा डिस्कवर किया गया। जी सर। और कैम पाथवे इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो कैम प्लांट्स होते हैं उन कैम प्लांट्स में CO2 का फिक्सेशन रात्रि में होता है, और इन कैम प्लांट्स में जो स्टोमेटा पाए जाते हैं वो फोटो एक्टिव स्टोमेटा पाए जाते हैं, तमो सक्रिय स्टोमेटा पाए जाते हैं। जी सर। मतलब इनके जो स्टोमेटा होते हैं वो रात के समय सक्रिय होते हैं और दिन के समय निष्क्रिय होते हैं। ऐसे भी कह सकते हैं इनके स्टोमेटा या रंध्र रात में खुलते हैं, दिन में बंद होते हैं। जी सर। जो कैम प्लांट्स होते हैं वो कैम प्लांट्स मोस्टली कैम प्लांट्स के उदाहरण अभी आपको यहाँ पे बताए गए हैं, जैसे ओपनसिया, पाइनएप्पल, वेलवेट्सिया जो कि एक जिम्नोस्पर्म होता है, एगिव जिसे हिंदी में घी क्वार कहते हैं, क्लेंचू। जी सर। कौन से प्लांट के उदाहरण है बेटा? मांसलोद्भिद सर। मांसलोद्भिद, ये मांसलोद्भिद मृद्भिद पौधों के उदाहरण है। ओके। कैम प्लांट्स भी कहते हैं। जी सर। सर्कुलेंट जीरोफाइट्स इंग्लिश में कहते हैं। इन पौधों के उदाहरण ये आपको बताए गए हैं जो आपको याद रखने हैं। इनमें एक प्लांट और है वो और आप यहाँ पे लिख देता हूँ, उसका नाम है यूफोर्बिया। अब आप देखिए ध्यान से, जो कैम पाथवे होता है, कैम पाथवे की शुरुआत जो होती है वो मोस्टली रात में होती है। रात में इसमें रंध्र खुलते हैं जो अभी आपको बताया गया। सबसे पहले इस पाथवे की शुरुआत जो होती है वहाँ पर CO2 फॉस्फोइनोल पाइरुवेट के द्वारा ली जाती है। फॉस्फोइनोल पाइरुवेट CO2 को लेता है। फॉस्फोइनोल पाइरुवेट जो CO2 को ले रहा है बाद में फिक्सेशन के द्वारा या स्थिरीकरण की प्रक्रिया के द्वारा, यौगीकरण की प्रक्रिया के द्वारा क्या निर्माण कर रहा है? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बना रहा है। जी सर। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से फिर आगे मैलिक एसिड का निर्माण हो रहा है। मैलेट आगे मैलिक एसिड में बदल जाता है। यह प्रक्रिया रात में हो रही है। मैलिक एसिड के निर्माण की प्रक्रिया वैक्यूल्स में या रक्तिका में होती है, इसे कहते हैं एसिडिफिकेशन या अम्लीकरण कहते हैं। ये आपको बताया गया, ये पूरी प्रक्रिया कब हो रही है? कैम पौधों में रात के समय हो रही है। और इधर देखते हैं दिन के समय ये प्रक्रिया हो रही है, जिसे डी एसिडिफिकेशन कहते हैं या वी अम्लीकरण कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें मैलिक एसिड होता है वो टूटता है, आगे मैलिक एसिड टूट जाता है, पहले मैलेट में, मैलेट से फिर पाइरुवेट में, यहाँ पे NADPH+S+ में रिड्यूस हो जाती है और CO2 यहाँ से रिलीज होती है जो केल्विन साइकिल का पार्ट बन जाती है। इस केल्विन साइकिल में सरकरा का निर्माण होता है। जी सर। इस तरह से आप देख रहे होंगे। तो अब आगे पाइरुवेट से फिर आगे फॉस्फोनल पाइरुवेट का निर्माण हो जाता है। इस तरह आप देख लें मैलिक एसिड का डी एसिडिफिकेशन हो गया है दिन के समय। ये पाथवे जो होता है, ये साइकिल जो होती है दिन के समय हो रही है, इस समय स्टोमेटा या रंध्र बंद होती है। कैम पौधों की विशेषता ये भी होती है, कैम पौधे जल संरक्षण के प्रति अनुकूलित हो जाते हैं। कैम प्लांट्स आर एडेप्टेड टू वाटर कंजर्वेशन। जी सर। ओके। इस कैम पाथवे का फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट या प्रथम स्थायी उत्पाद ऑक्जेलो एसिटिक एसिड होता है। इस पाथवे में CO2 एक्सेप्टर कंपाउंड फॉस्फोइनोल पाइरुविक होता है, फॉस्फोइनोल पाइरुविक एसिड होता है, फॉस्फोइनोल पाइरुविक एसिड होता है। ये कैम चक्र या कैम पाथवे पर्ण मधुतक कोशिकाओं में होता है। पर्ण मधुतक कोशिकाओं में PEPKs फॉस्फोइनोल पाइरुविक कार्बोक्सिलेज और रुबिस्को एंजाइम पाए जाते हैं। जी सर। इस तरह से ये कैम पाथवे और साइकिल पूरा होता है। थैंक यू। We will discuss in next class. अगली क्लास में आपको डिस्कस किया जाएगा। ओके।